हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल के भी स्वाद का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल के पकोड़े की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने एक कटोरी जो है खेसारी की दाल ली है, इसे हमारे यहाँ खेसारी की दाल बोलते हैं। और ये मैंने मूँग की दाल ली है 1/4 कप। इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसे सोख होने दूंगी 1 घंटे के लिए। इसे मैं पानी डाल करके 1 घंटे के लिए इसी तरह से ढक करके रख दूंगी। जब तक हमारी दाल जो है अच्छे से फूलेगी, तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लिया है। इसकी मैं ग्रेवी बना लूँगी। चलिए देखते हैं। देखिए दाल भी हमारी 1 घंटा हो चुका है, अच्छे से फूल चुकी है। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसे हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दूँगी। और चलिए इसे दरदरा बना पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से जो है इसे दरदरा पीस लेना है। दाल को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें एक बाउल में मैंने दाल निकाल ली। इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके ली है। नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी इसमें मैं, और लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इसे जो है अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। अजवाइन मैंने डाली है और थोड़ी सी हींग मैंने डाली है। इसे जो है देखिए इस तरह से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल जो गर्म हो चुका है, इस तरह से हाथों से इसे चपटा शेप दे करके हमें पकौड़े जो है तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, ये दाल के पकौड़े बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे स्नैक्स में भी खा सकते हैं। मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो खेसारी की दाल है, हमारे यहाँ इसे खेसारी की दाल बोलते हैं। आप चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल के या चने की दाल से भी इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए इसे इसी तरह से दोनों साइड से मैंने अच्छे से जो है सेक लिया है ऑयल में। दोनों साइड से हमारे जो है पकौड़े अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ और सभी को हम जो है निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो है मैं फिर से इसे डाल रही हूँ इस तरह से, सभी जो है बना करके मैं तैयार कर लूँगी पकोड़े। देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं पकोड़े। अब ग्रेवी के लिए मैंने इसमें डाले हैं 2 तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग डाल दूँगी थोड़ी सी। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से भून देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए इस तरह से इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें मैं। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक। इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। लो फ्लेम पे जो है इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे मसालों में। लीजिए फ्रेंड, इसमें मैंने हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटर का पेस्ट और इसे भी हम जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। अब पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को जो है अच्छे से पकने दूंगी। चलिए देखते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए मसाले में से ऑयल जो है अलग हो चुका है, इसका मतलब हमारे मसाले जो है भुन चुके हैं। अब इसमें मैं गर्म पानी जो है ऐड कर दूंगी। देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसे अब बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद ही फ्रेंड्स जो है पकौड़े डालेंगे। देखिए इस तरह से जो है इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसे जो है अब ढक करके पकने देते हैं ताकि पकौड़ों में भी हमारी जो है ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सब्जी हमारी रेडी है, धनिया पत्ता से गार्निशिंग करिए और गर्मा गर्म सर्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आपका हरी सब्जियों से मन उब जाए तो इस तरह से ज़रूर बनाकर खाइए दाल की।